और जल्दी से बटरफ्लाई बन जा। तो गैस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे, ये देखो यार, ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है काला काला। गैस ये कीड़ा है यार, जो कि रात पूरा खाता है और रात में भी हक देता है, जो कि इस पे है। अभी उसको ढूंढेंगे और पकड़ के फेंकेंगे दूर। तो भाई लोग हराम यहाँ पे छुपा है, दिखाऊंगा मैं। तो फाइनली दिख गया है हराम, साला खा खा के गोबर बना दिया है। आप लोग गेस करो कहाँ है, जूम करो। ये देख सकते हो, ये तो देख सकते हो भाई, ऊपर में था ये। चल तेरे नाक को काटेगा तो सूझ जाएगी, देख। चल जहाँ जंगल है हम इस पे छोड़ देंगे इसको, क्योंकि गाइस ये बटरफ्लाई बनने वाला कीड़ा है। ये जो है ना बटरफ्लाई बनने वाला कीड़ा है, तो हम लोग इसको मारेंगे नहीं। अभी खा खा के गेंडा हो जा और जल्दी से बटरफ्लाई बन जा। तो गाइस मैंने इसको इधर छोड़ दिया है, देखो ये रहा। इस लकड़ी को निकाल लेंगे अपन, छोड़ दे भाई लकड़ी छोड़ दे। अभी तक कितना भी खाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये भी देखते ही देखते पत्तों के नीचे छुप जाएगा। ये जो ऊपर में डिजाइन है ना, ये बटरफ्लाई होने के बाद उसके पंखों के अलग अलग रंग और डिज़ाइन बनेगा। गैस यहाँ पे मैं एक करेला तोड़ने के लिए आया था, जो कि वहाँ पे ना देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा यार, देखो कितना खूबसूरत है। गैस ये एक बटरफ्लाई का सेल है, जो भी मैंने अभी कीड़ा रिलीज करके आया ना, कुछ उसका ही है देखो। तो यार मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को क्लियर से होता क्या है असल में। हाँ तो ये देखो, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसमें से निकल गया है। ये देखो अभी खाली है सेल। ये होता है प्रोसेस कुछ बटरफ्लाई, जो भी मैंने कीड़ा छोड़ के आया ना, वो भी शायद 2 वीक में, मेरे को भी इतना क्लियर से मालूम नहीं है, 2 वीक में वो भी बटरफ्लाई होके उड़ जाएगा। इसको कच्चा भी खाओ और पका के भी खाओ, सेहत के लिए अच्छा है। जो अच्छा है वो कोई नहीं खाता है, जो टेस्ट लगता है वही को खाते हैं लोग। सही है।